श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं सं तं पं वं 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 हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां दीं दीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापं खंडे खंडे जय जय दद पच पच पाचय पाचय ओम नमो अरम झम झीं श्रीं हं स जव प छाम छीं छूं छे छो छम छ फीं राम रीं रूं रीं रूं रम र द्राम द्रीं द्रावे द्रावे नमो अर्हते भगवते श्रीमते ठठ अस्माकं संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज संगस्य श्रीमती सुशीला जी अरुण जी मुकेश जी राजेश जी श्रीकांत जी रोहित जी सोहित जी आलोक जी मोहित जी आरव भूवि विज्ञान वियान रोमिल एवं समस्त सोदिया परिवार निवासी सागर निवासी सब परिवार से श्रीमती स्वर्णा जैन स्वास्थ्यवर्तम श्रीमान जिनेन्द्र कुमार जी अमित जी अतुल जी प्रिंस अमन अरुण कुमार जी सचिन कुमार जी सुलभ कुमार जी राजकुमार जी सिद्धांत जी जैन अरम जी जैन समस्त करकबेल नरसिंहपुर निवासी सब परिवार से श्रीमान चक्रेश जी जैन स्वास्थ्यवर्तम श्रीमान आकाश जी महाजन शीतल जी पवन जी रूपाली जी रोहित जी सन्मति जी हमारी रेखाताई जी महाजन सपरिवार से श्रीमान बंसीलाल जी चुन्नीलाल जी जैन पातुर निवासी सपरिवार से श्रीमान महावीर जी मगनलाल जी जैन पातुर निवासी सपरिवार से सकल दिगंबर जैन समाज सिरपुर से श्रीरस्तो वृद्धिरस्तो तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो शांतिरस्तो कांतिरस्तो कल्याणमस्तो स्वाहा ओम समस्त शांति हरा परिवारस्थ कार्य सिद्ध्यर्थ सर्वविघ्ननाथ श्रीमद् भगवद् अर्हत् सर्वज्ञ परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः। आज हम अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर की पवित्र भूमि से आप लोगों के लिए अंतरिक्ष पार्श्वनाथ प्रभु के दिगंबरत्व की रक्षा की आपके लिए एक याचिका आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान कि लेप के आवरण में उनका दिगंबरत्व स्वरूप ढक दिया गया है। यह स्वरूप ढकने के लिए कई प्रकार के छल प्रपंच मायाचारी की गई है। कई लोग कहते हैं कि ये दिगंबर तीर्थ की बात करना कसाय की बात होती है, ये कसाय हम कब तक करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि ये कसाय मुक्ति की बात है, क्योंकि सबसे पहले अगर कसाय किसी ने की थी दिगंबर को पक्ष लेकर के तो आचार्य कुंद देव ने की थी। क्योंकि जब गिरनार में दो पक्ष खड़े हुए थे दिगंबर श्वेतंबर के, और पहले यात्रा गिरनार की कौन करेगा, इस बात को लेकर के आचार्य कुंद देव ने वहां पर श्रुत देवी का आह्वान किया था। और श्रुत देवी ने अपने मुँह से कहा था आद्य दिगंबरा। इसके उपरांत उन्होंने अपने सूत्र पावन ग्रंथ में बहुत सारे यहाँ तक ही लिख दिया कि जो वस्त्रधारी होते हैं, जो वस्त्रधारी होकर के अपने आप को साधु कहते हैं, इनको उन्मार्ग चेष्टा वाला कहा है, उत्सूत्र मार्गी कहा है। इन उत्सूत्र मार्गियों के लिए आहार भी नहीं देना चाहिए। ये आचार्य कुंद देव की जब हम गाथाओं को पढ़ते हैं तो हमें ये बात सामने आ जाती है कि दिगंबरत्व का स्वरूप के लिए आचार्य कुंद का सर्वश्रेष्ठ पक्ष था। आचार्य अकलंक देव ने भी अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने भाई के प्राण की आहुति तो दी ही है, यह उनका अमूल्य योगदान तो है ही। परंतु एक ध्यान रखना, क्या उन्होंने जब हिमशीतल राजा पर चालुक्य वंश के राजाओं ने आक्रमण किया तो उस समय राष्ट्रकूट वंश की सेना को आचार्य अकलंक देव ने हिमशीतल की रक्षा के लिए भिजवाया था, तो क्या ये कसाय थी, क्या कसाय नहीं थी। लेकिन एक ध्यान रखना, हम अपने लिए जब कुछ करते हैं और अपनी अहम के लिए अपनी विपरीतताओं को सही करने के लिए जो क्रोध करते हैं, मान करते हैं, मायाचारी करते हैं, अपने सब सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो वह कहलाती कसाय। और जब हम आत्मा के कल्याण के मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए, मोक्ष मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए कुछ करते हैं तो वह कसाय नहीं कहलाती है। एक ध्यान रखना, अगर आपने इस अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का के तीर्थ की रक्षा नहीं की तो आपके
36 तीर्थों पर श्वेतांबर अपना दावा करने में सफल हो जाएंगे और इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। एक अंतरिक्ष प्रार्थना तीर्थ ऐसा है स्थिरपुर, जिसके माध्यम से इनकी यात्रा रुकी हुई है और ये कोई भी तीर्थों पर कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यह यात्रा अगर आगे बढ़ा दी तो याद रखना 3 चीज़ों को करके वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं।